नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार। जैसे कि आपने अभी जस्ट मैंने एक ट्विटर जारी किया है शाला दर्शन पर, जो नया फीचर नया अपडेशन जो जारी हुआ है उसके बारे में, तो उसी तरह से वही प्रोसीजर है जिसमें शाला दर्शन पर जो प्रोसीजर नया जारी हुआ है उसी के माध्यम से पीओ लॉगिन पर अपने जो पीओज हैं उनकी जो लॉगिन है जिस पर आप इसी तरह से नए बच्चों के डाटा जो एंट्री करने हैं, नए बच्चों को जो अभी अभी जिन्होंने एडमिशन लिया है तो उनको शाला दर्शन पर पीओ लॉगिन पर उनका भी अपडेशन उसी तरह से करना है। तरीका वही है, प्रोसीजर वही है। तो इस तरीके से अपन देखेंगे अभी कि अभी मैंने हाल ही में जो जारी किया है ट्यूटोरियल तो उसमें सारी विस्तृत जानकारी बताई हुई है। जैसे उसके माध्यम से भी अपन को टीसी भी जारी कर सकते हैं अपन, और शाला दर्शन के माध्यम से ही अपन इसमें नया जो फीचर भी जारी हुआ है उसमें आसानी से अपन टीसी जारी कर सकते हैं और नए बच्चों का प्रमोशन भी अपन आसानी से इसमें कर सकते हैं। तो आइए अपन विस्तार से इसको देखते हैं। शाला दर्शन पर जो है, शाला दर्शन पर नया अपडेशन, नई फीडिंग। तो नए पहली कक्षा में अगर एडमिशन लेते हैं या दूसरी में लेते हैं तो पहली कक्षा में जो एडमिशन लेते हैं तो उनको नए तरीके से किस तरीके से शाला दर्शन में अपडेट सेशन करना है। जैसे पहले 3A में डाटा एंट्री करनी थी उसी तरह से यही प्रोसीजर है। तो इसको पीओ के माध्यम से भी अपन कर सकते हैं। पीओ जो अपने हैं, अपने जिनके अधीन अपन जिन पीओ के अधीन है उनको अपन जो डाक में भरकर दे रहे हैं तो उस हिसाब से पीओ के माध्यम से भी उसको उन डाटा को एंटर किस तरीके से किया जाता है वो अपन इसमें विस्तृत जानकारी अपन देखते हैं। इसमें मेरा पहले वाला ट्यूटोरियल अभी जो हाल ही में जारी किया है जिसमें टीसी भी उससे जारी की जा सकती है। उसके बाद में कार्मिक विस्तृत विवरण जो प्रविष्टि है इसमें शाला दर्शन पर भी कार्मिक विस्तृत विवरण प्रविष्टि इसमें अपन आसानी से इसमें कर सकते हैं। तो अपन को इसको विस्तार से अपन देखते हैं इसको। हाँ तो दोस्तों, अपन जिस शाला दर्शन पोर्टल की बात कर रहे थे जहाँ पर पीओ लॉगिन के लिए, पीओ के लिए एक अलग से पोर्टल भी जनरेट हो गया है। यहाँ पर ये पीओ लॉगिन, पीओ यूज़र नेम, और जो यहाँ पर पीओ और एंड बीओ यूज़र नेम दोनों के लिए, ये ऑफिस लॉगिन के लिए भी यूज़ होता है और पीओ लॉगिन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर रिक्वायर्ड पासवर्ड और कैप्सा फिलअप करने के बाद में यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक किया जाएगा। यहाँ पर मित्रों आप देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पर जो पोर्टल होम पेज है यहाँ पर एक विद्यालय लॉगिन भी दिया हुआ है और कार्यालय लॉगिन भी यहाँ पर दिया हुआ है। विद्यालय लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय का जो शाला दर्शन का पोर्टल है वो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं आप। जिसमें मैंने हाल ही में जो नया जो मेरा ट्यूटोरियल जारी किया है आज ही, उसमें ये बताया गया कि शाला दर्शन को अगर यहाँ से लॉगिन करेंगे तो सारी एंट्रीज आपको यहाँ पर फिलअप, जो मैंने इस ट्यूटोरियल के माध्यम से बताया है कि शाला दर्शन में नया अपडेशन जो है वो यहाँ पर लॉगिन करने से आपको पूरी तरह से ये खुला हुआ मिलेगा। यहाँ से पीओ लॉगिन आपको करना है, जैसे पीईओ यहाँ पर यूज़र आईडी में आप यूज़ कर सकते हैं, पीईओ जो भी है आपका पासवर्ड यहाँ पर लगेगा। और फिल करने के बाद में कैप्सा कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर लॉगिन यूज नेम पर अपन क्लिक करेंगे। आपके सामने होम पेज खुल जाएगा जिसमें यहाँ पर स्कूल में पीओज द्वारा किए गए कार्य, ये तो पहले से ही है, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना था और पीओ की मैपिंग, अपने विद्यालय अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की मैपिंग करनी थी। उसके बाद में आंगनवाड़ी समन्वयक का मेरा ट्यूटोरियल जारी किया हुआ है, समन्वयन कैसे करें। इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आंगनवाड़ी का समन्वयन आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा है विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करें। विद्यालय प्रोफाइल का भी आज ही जो ट्यूटोरियल शाला दर्शन के लिए मैंने जारी किया है उस पर ये सारी चीज़, विद्यालय प्रोफाइल है इसमें, उसके बाद में कार्मिक विस्तृत विवरण प्रविष्टि है और बच्चों को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं उसके बारे में भी इस ट्यूटोरियल के माध्यम से, मेरे इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आसानी से आप इसमें देख सकते हैं जो मेरा ट्यूटोरियल इसमें जारी किया हुआ है।
इसके लिए मैंने हाल ही में आज ही जारी किए PSUPS प्रारंभिक शिक्षा शाला दर्श में नया अपडेशन। इसके माध्यम से आप आसानी से टीचर्स रीडिंग कर सकते हैं, कार्मिक विस्तृत विवरण प्रविष्टि मतलब, और इसमें फ़ोटो जो आपको 10 से 20 KB की सतह प्रदर्शन की फ़ोटो डालनी है वह, और बच्चों को किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है TC के माध्यम से है, तो TC भी आप आसानी से इसमें जारी कर सकते। उसके बाद में आता है अक्षत पेटिका। अक्षय पेटिका प्रपत्र यानी है, यहाँ पर आपको स्कूल अपनी स्कूल जो PO लॉगिन के अंतर्गत आई हुई है स्कूल, इसमें यहाँ पर आपको ये प्रपत्र दिया हुआ है। अक्षय चयन करें, यहाँ पर अक्षय पेटिका प्रपत्र भरें, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये खुल जाएगा। यहाँ से अक्षय पेटिका संबंधित सूचना, क्या विद्यालय में अक्षय पेटिका स्थापित की जा चुकी है, यस या नो में अपन यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली यह प्रपत्र अंदर से खुलकर सामने आ जाएगा। इस शाला दर्शन पर PSUPS प्रारंभिक शिक्षा नया अपडेशन जो ट्यूटोरियल जारी किया है 21 मिनट और 42 सेकंड का, उसमें आसानी से आपको सारी चीज़ इसमें अवेलेबल हो जाएगी। इसमें PO के माध्यम से ही ये कार्य सारे संपन्न होने हैं आपके। विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रविष्टि भरनी है, वह भी आपको प्रपत्र 9 के अंतर्गत जो है वह विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि आपको भरनी है। अपने शाला दर्शन लॉगिन में करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एंटर हो जाएगी। नव प्रवेशित विद्यार्थी की सूचना, ये भी मेरा जो उसमें जारी किया हुआ ट्यूटोरियल, उसमें नव प्रवेशी विद्यार्थी की प्रविष्टि किस तरीके से करनी है यह आप आसानी से इसमें देख सकते हैं। और विद्यार्थी विस्तृत विवरण यानी कि जो पहले आपने 3A में डाटा भरे हुए हैं, उसके अलावा यहाँ पर पूर्व की जो डाटा है वो यहाँ पर आपके स्कूल में शाला दर्शन में जो भरे हुए हैं वह यहाँ पर उपलब्ध आपको मिल जाएंगे। तो केवल यहाँ पर PO में जो नए कार्य करने हैं वह विद्यार्थी को प्रमोट करना या हटाना जिसके TC के माध्यम से, और विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रविष्टि भरनी है उसकी प्रपत्र 9, और नव प्रवेशित विद्यार्थी और की प्रविष्टि यहाँ पर करनी है। और उसके बाद में यहाँ पर केवल आंगनवाड़ी का समन्वय और विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना है। इसमें इंस्पेक्टर की डिटेल आती है, इसमें वो पूरी भरनी है, और अक्षय पेटी का प्रपत्र। यहाँ पर कुल मिलाकर 3 से 6 कार्य ही नए PO के अपडेशन में आए। इस सारी प्रक्रिया के लिए जो यहाँ पर जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए शाला दर्शन के लिए ट्यूटोरियल जो जारी किया हुआ है उसमें सारी चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो इसके माध्यम से आप आसानी से PO लॉगिन में भी इसका अपडेशन आसानी से कर सकेंगे। ओके, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले मित्रों। ओके।